because I also want to keep 10 minutes for the question answers because it's very important for me to take your questions. So I would request, अच्छा एक और question ये है कि should I speak in Hindi, English or a combination of Hindi and English? आप लोग थोड़ा chat box में डाल दीजिए कि can you use Hindi please? Okay. और कौन है, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी नहीं समझते, bilingual कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, आई गॉट इट. तो मैं हिंदी, देखिए मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में कंफर्टेबल हूँ और यहाँ पर कुछ अपने पंजाबी दोस्त भी हैं तो पंजाबी भी बोल सकती हूँ, पर नहीं पंजाबी नहीं बोलूंगी, मैं हिंदी और इंग्लिश में अपना सेशन दूंगी, ठीक है. मैं तो देख रही हूँ उत्तराखंड के भी कोई हैं और उत्तराखंड से काफी लोग हैं. मैं ये बताना चाहती हूँ उत्तराखंड वालों को कि मैं भी उत्तराखंड से हूँ और वैसे तो दिल्ली में बेस्ड हूँ लेकिन आजकल मैं देहरादून आई हुई हूँ और मैं देहरादून से ही सेशन ले रही हूँ. मेरे उत्तराखंडी फ्रेंड्स, मैं आपके ही प्रदेश से हूँ. सो लेट अस स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी डिले. जिस तरीके से आप अपने कमेंट्स अभी दे रहे हैं, प्लीज ऐसे अपने चैट बॉक्स में अपने कमेंट्स देते रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. सो एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन एंड दिस इज फॉर योर ओन बेनिफिट. अगर आप सुनेंगे तो आपके लिए अच्छा है, नहीं सुनेंगे तो फिर कुछ चीजें मिस कर जाएंगे और कल कोई प्रॉब्लम ना हो जाए. ये सब आप मेरे से सहमत होंगे कि वी लिव इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, मतलब हम इतने इंटरकनेक्टेड हो गए हैं, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे अपने कोलीग्स के साथ, अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस द कंट्री, जिनके बच्चे बाहर हैं वो बच्चों के साथ कनेक्टेड हैं, एक्सपर्ट्स के साथ हम कनेक्टेड हैं. तो हम एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ पर सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. सो एवरीबडी इज कनेक्टेड विद ईच अदर. And I'm sure you will agree with this also. The world is on a fingertips. अभी हम we scroll, we use the mouse, we use the keyboard, so we can go to any part of the world. Like for example, using 3D imagery, we can take a children to the rainforest around the Statue of Liberty. People can see Taj Mahal in the 3D mode. So everything is available to us. Let's say कि जैसे हमको किसी की expertise की जरूरत है, हम online ले सकते हैं. So the world is on our fingertips. Okay, and at the click of the mouse, we can go to supermarkets. I think online shopping सब करते होंगे. आप करते हैं online shopping? कितने लोग करते हैं? ओके, इमरान खान जी कह रहे हैं कि हमने ये पीपीटी मिस करा था हिमाचल के सेशन में. हाँ जी इमरान सर, उस वक्त टेक्निकल हिच थी. आई एम ग्लैड यू कैन सी द प्रेजेंटेशन नाउ. तो सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन ट्रैवल करते हैं. जैसे मैंने बोला कि ऑनलाइन ट्रैवल करके हम बहुत सारी जगह दे सकते हैं और या फिर अपनी ट्रैवल को हम ऑनलाइन फैसिलिटेट कर सकते हैं. एंड वेरी गुड रिस्पॉन्सेज, वेरी ओके. एंड बैंकिंग, अच्छा ये अब ये बताइए कि बैंकिंग कितने लोग ऑनलाइन करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कितने लोग करते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज मेरा सेशन काफी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर भी है. सभी करते हैं. ओके, सोशलाइजिंग करते हैं, दोस्त तो सबके होते हैं, एंटरटेनमेंट होता है, वीडियोस वगैरह जो भी हैं वो सब हम लोग ऑनलाइन देखते हैं. एक्सेलेंट एक्सेलेंट. और सबसे बड़ी बात है एजुकेशन ऑनलाइन. अब तो आप लोग तो सब अभी टेक्नोलॉजी एनरिच टीचर्स हैं. आपको वो दिन याद है जब कोविड के टाइम में, जैसे कोविड हुआ था तो आई एम श्योर तब बहुत सारी टीचर्स फैकल्टी मेंबर्स में नॉट बी यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर टीचिंग लर्निंग उतने लेवल तक जितना अब यूज कर रहे हैं. और आप लोगों ने क्या करा, बीइंग कंसेंशियस एजुकेटर्स, जिनको था कि हमारे बच्चे एक साल मिस ना कर दें, एवरीबडी द पेडागॉजिस्ट पुट ऑन द हैट ऑफ डिजिटल एजुकेटर्स, है ना. आप लोगों ने डिजिटल एजुकेटर विद इन 1 वीक 10 डेज सबने खूब सारी स्किल ले ली और ये ऑनलाइन टीचिंग होगी. तो मैं तो ये कहती हूँ कि ये सब सीखना आसान नहीं था लेकिन टीचर्स तो बेसिकली उनके तो ब्लड में सिंसियरिटी होती है और वो हमेशा अपने बच्चों अपने स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट करना चाहते हैं सो दैट द स्टूडेंट्स डोंट मिस एजुकेशन, दे ऑल लर्न टेक्नोलॉजी. एंड आई
आई थिंक टेक्नोलॉजी इज कमिंग अप सो मच ऑफ यूज. यू वुड नॉट हैव हैड दिस यू नो कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट सेशन फॉर द एंटायर वीक इफ इट वॉज नॉट फॉर टेक्नोलॉजी एंड आई वुड नॉट बी टॉकिंग टू यू. ओके सो दैट इज इट. बट हर चीज में बट हमारा तो आते ही है ना, कि हर चीज में बट ये है कि इंटरनेट ब्रिंग्स ट्रिमेंडस पॉसिबिलिटीज अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इस बात से आप अग्री करेंगे कि हमारे पास बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज हैं और हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कभी थी नहीं, लेकिन उनके साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ गई है. ओके अब ये सोचना है, थोड़ा एक इसके बारे में सोचिए. आर वी रेडी टू सीज अपॉर्चुनिटीज, मतलब आर वी रेडी टू टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड फेस चैलेंजेस इन दिस न्यू वर्ल्ड. क्या आपको लगता है कि आप और आपके स्टूडेंट्स, आपके बच्चे, आप लोग इस टेक्नोलॉजी एनेबल्ड वर्ल्ड के लिए 100% रेडी हैं? यस और नो चैट बॉक्स में डालिए कि आपको अगर लगता है आप रेडी हैं तो इट्स इनफैक्ट वेरी वेरी गुड, और अगर आपको लगता है नहीं रेडी है तो हमें रेडी होना है क्योंकि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है. हमारी आज जो हम बच्चों को प्रिपेयर करने जा रहे हैं वो टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में उनको सक्सीड होना होगा, हमें उनको उस टाइप के स्किल्स देने होंगे. अब हम 20th सेंचुरी स्किल्स देके और अपने स्टूडेंट्स को 21st सेंचुरी वर्कफोर्स के लिए तो नहीं तैयार कर सकते हैं ना, वो तो बड़ा मिसमैच होगा. सो यस, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, नीड नॉलेज, नॉट 100% बट ट्राइंग. वेरी गुड. आई आई अलका मदान जी, आई रियली लव योर आंसर की नॉट 100% रेडी बट ट्राइंग, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग. एंड फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू दैट इवन आई एम स्टिल ट्राइंग. क्योंकि टेक्नोलॉजी का क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हमने ये चीज सीख ली, और जैसे ही हम चीज को वो मास्टर करने लगते हैं वो एक नई चीज आ जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट डिवेलप होती है कि नहीं. तो जैसे हम बोलेंगे कि अच्छा ये इस रिस्क का तो हमारे पास तोड़ है, ये एंटीवायरस आ गया है या ये सिक्योरिटी पैच आ गया है? और हाँ जी शुभम जी, वेरी फास्ट टेक्नोलॉजी इज मूविंग. यस, टेक्नोलॉजी कीप्स डेवलपिंग एंड चेंजिंग. एक्सेलेंट. एंड इसके लिए हमें पढ़ना पड़ता है. मैं आपको अपना एग्जाम्पल बताऊं, मैं बिल्कुल ही इमर्स्ड हूँ इसके इंटरनेट साइबर सेफ्टी इन सब, और मैं खूब पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि मैं पीछे रही हूँ. नई नई टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी आती है कि अगर मैं रेगुलरली अपने आप को अपडेट ना करूँ, मतलब अगर मैं एक हफ्ता थोड़ा सा ध्यान ना तो उस हफ्ते में 4 और नए टेक्नोलॉजी इश्यूज आ जाते हैं, कुछ नई रिपोर्ट आ जाती है, कुछ नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो जाती है. तो हम हमेशा टेक्नोलॉजी के, हमको पीछे पीछे नहीं भागना है, हमें उसके साथ साथ भागना है. और इससे इससे ये चीज आती है कि हम अगर अपना माइंडसेट चेंज कर लें, अगर हम थिंकिंग चेंज कर लें, तो हमारे सामने कोई भी टूल आ जाएगा, हम उसको वही रिस्पॉन्सिबिलिटी से और वही केयर से यूज करेंगे. ठीक है, तो मेरा सेशन मोस्टली इसके बारे में है. थैंक यू, वेरी गुड इंटरेक्शन, थैंक यू वेरी मच. अच्छा, अब रियलिटीज और चैलेंजेस हैं. सो दो इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड हैज मेड आवर लाइव्स इजी एंड इंटरेस्टिंग, है ना, वो तो हम बात कर रहे हैं, इजी एंड इंटरेस्टिंग हो गई है, पर हमारी लाइफ कितनी अनसेफ हो गई है. And we have become open to misinformation, because misinformation to online aise travel karti hai at the speed of lightning, and we have become vulnerable to financial frauds. You know, you agree with me? So now more of this. Okay, ab is pe dhyan dijiye. Have you or any of your friends received links on the email or through phone or through text on promise? Rewards, free holidays, etc. Or या फिर urgent messages asking you to pay electricity or phone or cable bill as the connection will be discontinued. कि KYC complete कीजिए नहीं तो आपका account close हो जाएगा. और एक और आता है service message which is asking you to click OK नहीं तो आपका phone shut हो जाएगा, है ना. इस टाइप के मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं. और सबसे लेटेस्ट मैसेज है कि होम ओनर्स बीइंग आस्क्ड
एक ना फेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लोगो लगा देते हैं और होम ओनर्स और सबको भेज देते हैं, सेइंग दैट इफ यू आर अ होम ओनर यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लिंक बिकॉज गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद न्यू पॉलिसीज, वी विल शेयर. गवर्नमेंट कभी भी ऐसी पॉलिसीज नहीं देती है, पर घबरा के कोई क्लिक कर देता है. जब ये सब पे क्लिक करते हैं तो क्या होता, एक जैसे मैं कह रही थी, अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो एक लिंक पे क्लिक करते हैं जो ब्लू लिंक होता है, उससे करने से एक छोटा सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हमारे डिवाइस पे, चाहे वो लैपटॉप है चाहे वो डेस्कटॉप है या फोन है, उस पे हमारे उस पे कॉपी हो जाता है. और वो जो छोटा सा प्रोग्राम जब रन करते हैं उसे, तो वो आपके फोन का सारा डेटा, जो हैकर है जिसने ये आपको लिंक भेजा है, उसके फोन पे चला जाता है. आपके फोन की मिररिंग, आपके फोन या लैपटॉप की मिररिंग या क्लोनिंग हो जाती है. उसके बाद आपके फोन से खूब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए है, क्योंकि देखिए फोन पे तो हमारी बहुत इन्फॉर्मेशन होती है, गैलरी होती है जिसमें फोटोज होते हैं, हम लोग अपने हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स होते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं, वो फोन पे वो डिटेल्स आ जाते हैं और वो आपका फोन क्लोन हो जाता है और सब कुछ वो हैकर के पास चला जाता है. अभी जैसे मैं आपको बता रही थी कि लिंक के कुछ एग्जांपल्स, एक तो है वो कंग्रेचुलेशंस, योर ईमेल वाज सेलेक्टेड इन पावरबॉल लॉटरी एंड विद 1.5 मिलियन डॉलर. ओके, तो दे आस्क यू टू सेंड दीज डिटेल्स एंड देन दे आस्क यू टू क्लिक द लिंक. है कई बार कुछ लोग इस झांसे में आ जाते हैं, वो कर लेते हैं. और या फिर ये पीछे था, पिछले साल ये बड़ा पॉपुलर था, टाटा मोटर्स वॉज सेलिब्रेटिंग देयर एनिवर्सरी, उस वक्त ये फेक मैसेज बहुत आ रहा था कि अगर आप इस पे लिंक पे क्लिक करोगे और थोड़े क्वेश्चंस आंसर करोगे तो आपको एक नेक्सॉन कार मिलेगी. किसी को भी आज तक नहीं मिली और ना मिलने वाली है. और या फिर एक ये स्टूडेंट के लिए लिंक है जो अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर करने जा रहे हैं, कि योर पासवर्ड विल पास इफ योर पासवर्ड विल एक्सपायर इफ यू डोंट क्लिक ऑन दिस लिंक. अब ये सब, अब मैं आपको आगे की स्लाइड में बताऊंगी कि कैसे अगर ऐसी ईमेल्स आती हैं तो फेक और रियल में कैसे डिफरेंस करना चाहिए. ठीक है, और रियल और फेक में बताइए. अब लेटेस्ट क्या है, लेटेस्ट आपने पढ़ा होगा कि कटरीना कैफ, अभी टाइगर 3 तो रिलीज हुई नहीं है, मूवीज देखते हैं ना आप, मूवीज तो है और कटरीना कैफ तो वैसे ही सबकी फेवरेट है. अभी टाइगर 3 रिलीज नहीं हुई है, लेकिन कोई सॉन्ग है जो उसके उसको मतलब दे हैव चेंज द क्लोथ्स ऑफ कटरीना कैफ यूजिंग द डीप फेक टेक्नोलॉजी, तो वो आजकल नेट में बहुत है. और एक और यंग एक्ट्रेस है, रश्मिका मदाना, जिसका वीडियो किसी ने डीप फेक कर दिया था. इस सेशन के बाद नेट पे जाके ये सब देखिए. और एक अभी सारा तेंदुलकर और शुभम गिल की मॉर्फ्ड इमेजेस भी नेट पर खूब है. तो हमें ये मिस इन्फॉर्मेशन होता है और हमें इन सब पे बिलीव नहीं करना चाहिए. तो डीप फेक क्या होता है, डीप फेक आर रियल लुकिंग बट फेक इमेजेस, मतलब वो देखने में तो रियल लगती हैं बट दे हैव बीन मॉर्फ्ड, या फिर वो वॉइस होगा या ऑडियो होगा या वीडियो होगा, एंड दिस इज जनरेटेड बाय यूजिंग डीप फेक टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इससे क्या होता है कि वीडियोस और पिक्चर्स को सिंथेटिक वॉइस दी जाती है, सिंथेटिक मतलब आर्टिफिशियल वॉइस दी जाती है, और एक्शंस उसमें डाले जाते हैं, एक्शंस आर पुट. ओके,
एंड स्कैमर्स यूज दिस टेक्नोलॉजी टू टारगेट विक्टिम्स बाय इम्पर्सोनेटिंग क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली, और या फिर किसी की भी फोटो को, जैसे मैंने बताया था कैटरीना कैफ, रश्मिका गिल और ये सचिन तेंदुलकर डॉटर विद शुभम गिल, तो ये सारी उन्होंने ये मॉर्फ करी हुई है. ये मॉर्फिंग इज वेरी वेरी डेंजरस. एक तो लोगों के रेप्यूटेशन के साथ खेलते हैं. यंग गर्ल्स अपनी फोटो बहुत शेयर करती हैं, सब लोग इनफैक्ट फोटोज तो यंग गर्ल्स को सब लोग ही बहुत शेयर करते हैं, पर हमें अपने स्पेशली स्टूडेंट्स को ये सेंसिटाइज करना है कि फोटो शेयर करने से वो मॉर्फ हो सकती हैं. फोटो का टॉप पोर्शन द फेस कैन बी एक्चुअली अटैच टू एनी एक्शंस इन द बॉडी और एनी काइंड ऑफ बॉडी, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव बीन ब्लैकमेल्ड फॉर दिस. ओके, अब एक और एक नया तरीका स्कैम आया है, काफी टाइम हो गया है इसको, पर ये जो मैं आपको ये मैं एक केरला का एग्जाम्पल बता रही हूँ जो लेटेस्ट है, ये जुलाई का है. सो अ केरला मैन लॉस्ट 40,000 टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्कैम व्हेन समवन हु क्लेम टू बी फॉर्मर कोलीग, कि मैं तुम्हारा फॉर्मर कोलीग हूँ, आस्क्ड हिम फॉर मनी. अब ये तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट है. कुछ हफ्ते पहले मेरी एक फ्रेंड है, शी हैज बीन एन एजुकेटर, हर हस्बैंड इज अ प्रोफेसर इन अ कॉलेज. अब मैं इसलिए उनका ये बता रही हूँ कि देखो उनका एजुकेशन और अवेयरनेस लेवल हाई है, और वो भी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है उनके हस्बैंड. ओके, तो उसके हस्बैंड को एक बार कॉल आई कि कहां से, उनका कोई बड़ा पुराना यूएस का फ्रेंड, उसने बोला कि उसी का फेस था और वो ही मतलब एंड हिज लिप्स वर मूविंग एंड ही वाज टॉकिंग. उसने बोला कि मेरी सिस्टर तो इंडिया में है और उसकी सर्जरी के लिए पैसे चाहिए हैं, मैं अभी ट्रांसफर नहीं कर पा रहा हूँ यूएस से, तो आप 75,000 रुपीज ये मेरे इस सिस्टर के अकाउंट में डाल. ओके, अब जो हमारे फ्रेंड है उनको लगा कि भाई देखो ये तो मेरा फ्रेंड है यूएस का है, और उसने फटाफट उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए, और उसके बाद उसने अपने फ्रेंड को मैसेज भेजा कि भाई मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल दिए. उस व्हेन हिज फ्रेंड सॉ दैट मैसेज, ही सेज मैंने तो कोई पैसे नहीं मांगे तुमसे, मैंने कोई पैसे नहीं मांगे, आई नेवर कॉल्ड यू ऑल्सो. देन दिस पर्सन वेंट बैक टू दैट वीडियो कॉल नंबर एंड ही फाउंड दैट नंबर तो इंडियन है, यूएस का नंबर तो है नहीं. तो उसने वो नंबर नहीं चेक करा, उसने अपने फ्रेंड से नहीं चेक करा, और उसने 75,000 ये डाल दिए. तो यू नो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव जीरो ट्रस्ट. आजकल पुराने जमाने में हम बोलते थे कि यू नो अच्छे लोग आसपास हैं, ट्रस्ट करो, ट्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, ट्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू. बट इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड व्हेन पीपल आर नॉट इन फ्रंट ऑफ यू, व्हेन समबडी इज कम्युनिकेटिंग फॉर फ्रॉम फार एंड कैन यूज एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, सो जीरो ट्रस्ट से स्टार्ट करना चाहिए कि पहले आप उसको वेरीफाई करें और फिर उसको ट्रस्ट करें. सो दिस इज दीज आर द जनरल इश्यूज. सो अभी मैं इंडिया की स्टोरी आपको बता दूं दैट इंडिया हैज ग्रोन अ लॉट, और हमारा जो यूपीआई सिस्टम है इट इज वन ऑफ द बेस्ट एंड यूनिक इन द वर्ल्ड. In fact, you know, G20 ke time when the leaders came from Germany and so many other places, they want to take away the technology of our UPI because they were so impressed by it. They have asked for it. So, India has 40% share in global digital payment. Matlab, globe mein 40% यूजर्स जो डिजिटल पेमेंट करते हैं वो इंडियंस हैं. तो ये तो एक है बहुत बहुत पॉजिटिव ग्रोथ. बट जैसे मैंने बोला कि इंटरनेट अपॉर्चुनिटीज तो हमें देता है, पर इंटरनेट साथ साथ में हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देता है, है, और हमारे सामने बहुत सारे इश्यूज भी लाता है, और उन इश्यूज के साथ डील करना स्मार्टली हमारा काम है. जैसे हम अपने डे टू डे इश्यूज के साथ डील करते हैं, वैसे ही हम इंटरनेट के इश्यूज के साथ डील करना चाहिए है. सो आप ये देखिए कि अप्रैल 23 में 7 लाख कंप्लेंट्स गई हैं ऑन दिस 1930 नंबर विच इज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. 7 लाख फाइनेंशियल फ्रॉड कंप्लेंट्स गई हैं.
तो आप ये सोचिए कि कितनी तो ऐसे लोग होंगे जो कंप्लेन नहीं करा उन्होंने, ऐसे तो बहुत लोग होंगे। दिस मींस कि हमारे कंट्री में, इनफैक्ट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड आल्सो, द साइबर क्राइम्स आर राइजिंग। एंड बिटवीन अप्रैल टू अगस्त 2023, गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड 5.2 मिलियन मोबाइल कनेक्शंस विच वर टेकन यूजिंग फेक डॉक्यूमेंट्स। अभी जैसे मैं, मेरे को दिन में करीब 7-8 अननोन नंबर से कॉल आते हैं। अब जैसे मैं अगर उत्तराखंड में बैठी हूँ और मैं छत्तीसगढ़ में या झारखंड में या उड़ीसा में या कहीं और केरला में मैं किसी को जानती नहीं, लेकिन मुझे वहां से फोन आ रहे हैं, तो अगर जो लैंडलाइन नंबर से मैं देखती हूँ ये तो आसपास का है ही नहीं, तो मैं वो फोन उठाती नहीं। इनफैक्ट अननोन नंबर से मैंने मोबाइल उठाना बंद कर दिया है, और जिसको कोई अर्जेंटली कनेक्ट करना है वो मैसेज भेजे, और ये सब अवेयर हो गए हैं। तो आप भी अननोन नंबर से फोन मत उठाइए, और ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई इमरजेंसी होगी तो कोई दूसरा आपको मैसेज जरूर भेजेगा, ठीक है। और ये लास्ट वाला सबसे अलार्मिंग है। फ्रॉड्स कितने हैं इन इन द ईयर 2022-23? 276 करोड़ का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है हमारी कंट्री में, और इसका बड़ा, इन सबका FDRC है, साइबर क्राइम सर्वे हुआ था रिसेंटली इन लास्ट मंथ ओनली, और ये बहुत क्रेडिबल डेटा है, ठीक है। तो ये, अब ये अलार्मिंग सिचुएशन है। हाँ, अलार्मिंग सिचुएशन तो है, लेकिन इसको डील करना हमें खुद है। अब आप बताइए कि आप अपने बच्चों को शाम को पार्क में अंधेरे में भेजेंगे? नहीं भेजेंगे, नहीं जाएंगे ना। या फिर आप बेधड़क रोड क्रॉस करेंगे लेफ्ट राइट देख के? नहीं करेंगे। या फिर आप जब रेलवे स्टेशन में जाएंगे आप अपना सामान फैला देंगे? हम अपने सामान की ध्यान रखेंगे। हम अगर वो ही कॉन्सेप्ट जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं कि हमें अपने आप को सेफ रखना है, सिक्योर रखना है, अगर हम वैसा ही कॉन्सेप्ट अपनी ऑनलाइन लाइफ में यूज करेंगे, कितने भी हमारे पास थ्रेट्स आ जाएं, उसको हम स्मार्टली वी विल डील विद दोस। ओके, सो दिस इज द साइबर क्राइम डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। 77.4% तो हम फाइनेंशियल फ्रॉड्स है, और फिर सोशल मीडिया फ्रॉड्स हैं, और सिस्टम फ्रॉड्स हैं, और अदर्स हैं। ओके, सोशल मीडिया फ्रॉड्स हैं फ्रॉम द सोशल मीडिया साइट्स, और जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर अभी एक्स हो गया है, लिंक्डइन है, स्नैपचैट है, व्हाट्सएप है, ये सोशल मीडिया फ्रॉड्स हैं। और सिस्टम फ्रॉड्स होते वो होते हैं जब कोई आपका सिस्टम हैक कर लेता है, फोन हैक कर लेता है, लैपटॉप हैक कर लेता है, वही लिंक्स वगैरह से आपके पास स्पैम ईमेल्स आती हैं। वो है। और अदर्स में जैसे साइबर टेररिज्म, रेशलिज्म, ट्रोलिंग, बुलिंग, ये सब आते हैं। अब आप ये सोचेंगे अच्छा फाइनेंशियल फ्रॉड सबसे ज्यादा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जो सिस्टम फ्रॉड्स और सोशल मीडिया फ्रॉड्स, ये जो जितने भी बाकी अदर फ्रॉड्स हैं, दीज ऑल्सो लीड टू फाइनेंशियल फ्रॉड्स। सिस्टम फ्रॉड, जैसे ही हमने किसी लिंक पे क्लिक करा और हमारे पास उधर का आ, 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 हमारा फोन क्लोन हो गया है, कल को हम ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह करना चाहेंगे या हमारे फोन पे पासवर्ड वगैरह होगा, तो वो तो हैकर के पास चला जाएगा ना, और फिर ऑनलाइन फ्रॉड हो जाएगा। या फिर हम सोशल मीडिया पे अपनी इररिस्पॉन्सिबली अपनी डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, प्राइवेसी सेटिंग्स का नहीं ध्यान कर रहे हैं, तो इस करके भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो जाते हैं। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर सेफ्टी इन टोटैलिटी, कि हम जब सोशल मीडिया पे होते हैं वी शुड नॉट शेयर अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, हम अपनी रियल लाइफ में किसी स्ट्रेंजर्स को कुछ नहीं बताते हैं, और हम लोग ऑनलाइन अपनी फोटो पे फोटो और मैसेजेस और लोकेशन और टैगिंग ये सब कर लेते हैं, एंड वी आर सेटिंग्स आर पब्लिक। ओके, और हम जैसे मैंने पहले बोला कि रेलवे स्टेशन में जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, मॉल में जाते हैं, हम अपने पर्स का ध्यान रखते हैं, लेकिन हमको लगता है ऑनलाइन कुछ हमें होने वाला नहीं है, क्योंकि हम जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, कुछ पोस्ट करते हैं, तो हम एक बड़ी भीड़ में नहीं बैठे होते, हम अपने सिक्योर ऑफिस में बैठे होते हैं, कॉलेज में बैठे होंगे, घर पे बैठे होंगे, तो हमें लगता है कि कुछ भी पोस्ट कर दो कोई देख नहीं रहा, लेकिन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर वॉचिंग व्हाट यू आर डूइंग। सो हमें इस बात की केयरफुल रहना है, और कैसे केयरफुल रहना है मैं आपको बताऊंगी। सो पर्सनल सेफ्टी
एक तो जैसे मैंने बोला सिस्टम डेटा एंड सिस्टम सेफ्टी होती है, एक होती है पर्सनल सेफ्टी और एक है फाइनेंशियल सेफ्टी। ये तीन चीजें हम आज इसकी बात कर रहे हैं अभी। सो पर्सनल सेफ्टी का क्या थी? सबसे पहले मैं पर्सनल सेफ्टी पे आऊंगी। पर्सनल सेफ्टी, कीप योर ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑन। आप कहाँ जाते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, आप कब ऑफिस जाते हैं, कब घर जाते हैं, हम क्यों सबको बताएं? हमको अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ रखनी चाहिए अपने फोन पे। दूसरा है कंट्रोल ऐप परमिशंस। अभी देखो ये हर चीज के लिए हर कोई बोलता है हमारा ऐप डाउनलोड कर दीजिए, है? इवन केबल वाले बोलते हैं हमारा ऐप डाउनलोड कर लो। लर्निंग के लिए भी बहुत सारे एप्स हैं। देर आर एप्स टू काउंट नंबर ऑफ ग्लासेस ऑफ वाटर यू हैव इन अ डे। देन बैंकिंग के ऐप होते हैं, ये वोडाफोन वगैरह के, हर चीज के एप्स होते हैं। पहले तो एप्लीकेशंस डाउनलोड ज्यादा मत कीजिए, स्पेशली एप्लीकेशंस विच आर नॉट नीडेड। जो आपको बहुत जरूरत है वो कर दीजिए। लेकिन जैसे कोई एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी भी है तो सबसे पहले उसमें देखिए कि उस एप्लीकेशन में हाउ मेनी यूजर्स आ रहे हैं। अगर उस एप्लीकेशन में यूजर कम है तो वो एप्लीकेशन इज नॉट अ सक्सेसफुल एंड अ ट्रस्टेड एप्लीकेशन। और फिर उसके बाद नंबर ऑफ यूजर्स के बाद देखिए रेटिंग क्या है। अगर उसकी रेटिंग अच्छी नहीं है तो इसका मतलब है वो एप्लीकेशन सेफ नहीं है। और थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको देखनी है कि वो ऐप आपकी क्या क्या आपके मतलब फोन से या से क्या क्या परमिशन मांग रहा है। सो लेट्स से दैट्स एन ऐप फॉर सर्टेन काइंड ऑफ पेमेंट, और दैट इज एन ऐप फॉर एजुकेशनल ऐप फॉर टीचिंग सम काइंड सम सब्जेक्ट और यू नो और सम फाइनेंशियल वर्क विच वी डू ऑन एक्सेल, कि बस ऐप से बहुत जल्दी हो जाएगा। अब ये आपको ये देखना है कि उस ऐप से वो ऐप आपके लिए क्या क्या मांग रहा है। द ऐप विल आस्क यू फॉर द कॉन्टैक्ट, उसको आपके कॉन्टैक्ट देने की क्या जरूरत है, नहीं है ना? या फिर वो ऐप आपसे मत दीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो परमिशन मत दीजिए, हम अपने घर में लोगों को नहीं घुसाते हैं, हम उनको अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन फोन में हमारी सारी प्राइवेट लाइफ है, हम उसके परमिशंस दे देते हैं। तो अब आप बोलिए कि ये गलती प्लेटफॉर्म्स की है, टेक्नोलॉजी की है या हमारी है? ये तो सोचने वाली बात है ना कि किसकी गलती है। हम ही तो खुद परमिशन दे रहे हैं। हम गर्मी है, हम दरवाजे खिड़कियां सब खोल के चले गए, सब दरवाजे खिड़कियां खोल के सो गए, सो गई ना। पर अगर घर में आके कोई चोरी करता है, वो चोर की गलती नहीं है, वो गलती हमारी है, हमने ही अपना केयर नहीं करा। नहीं, तो ये है। द सेकेंड इज यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स। पासवर्ड्स आर द की टू योर ऑनलाइन आइडेंटिफिकेशन, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो बैंकिंग के हो, है? सो पासवर्ड बहुत स्ट्रांग रखने चाहिए, ठीक है? और सेम पासवर्ड हर एक का नहीं होना चाहिए। कहीं एक का पासवर्ड हैक हो गया तो आपके सारे अकाउंट्स का पासवर्ड हैक हो जाएगा। देन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है। जैसे हम अपने घर को लॉक करते हैं, जब हम बाहर जाते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो जैसे ही हम लॉक करेंगे तो हम एक लॉक अपना दरवाजा बंद करेंगे। और आजकल तो एवरीबडी इज वेरी केयरफुल, वो ग्रिल वाला भी दरवाजा बंद करेंगे, फिर वो गेट का भी दरवाजा गेट भी लॉक करेंगे। तो दिस इज कॉल्ड टू फैक्टर और मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। और ये आई थिंक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन तो सभी मांगती है, और बाकी ऑर्गेनाइजेशन, इनफैक्ट आप रेलवे में बुकिंग करना चाहें तो वो भी आपसे मांगते हैं। और वो सेकेंड सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है? फर्स्ट फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो पासवर्ड हो गया, सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है कि आपके पास ओटीपी आता है। ओके, सो ओटीपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपके फोन पर आएगा। एक और होता है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें कुछ साइट्स या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आपका फेस आइडेंटिफिकेशन वगैरह भी मांगते हैं, ठीक है? नाउ कमिंग टू दिस अवॉइड पब्लिक वाईफाई। अभी हम कहीं जा रहे हैं, हम रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, एयरपोर्ट पे बैठे हैं, मॉल में बैठे हैं, वाइफ शॉपिंग कर रही है और या फिर बच्चे खेल रहे हैं, तो अच्छा वाईफाई है इधर, तो बढ़िया, मैं कुछ वीडियोस देख लेती हूँ।
मैं कुछ वीडियोस देख लूंगा तब तक, जब तक मेरी वाइफ शॉपिंग करती है। पब्लिक वाईफाई बहुत बहुत डेंजरस है, कभी भी पब्लिक वाईफाई मत यूज करिए, क्योंकि इनकी सिक्योरिटी वीक होती है, इतनी स्ट्रांग नहीं होती है। और पब्लिक, और इसमें बहुत सारे लोग, आपके जैसे कितने लोग इसमें होंगे, और उसमें से अगर आपके जैसे कोई 300 400 500 लोग होंगे, जैसे रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं, उसमें से इतने सारे लोग तो वो होंगे जो प्राउलर्स हैं, जो हैकर्स हैं, जो आप जैसे लोग हु आर एक्सेसिंग दिस वाईफाई, उनको वो टारगेट करते हैं। ओके, और कभी भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन तो पब्लिक वाईफाई से करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो ट्रैक होना बहुत आसान होता है। राइट, नदर वन इज अवॉइड जूस जैकिंग। अभी हम बैठे हैं कहीं पब्लिक प्लेस में, मॉल में, फोन की बैटरी इज डाइंग, तो फटाफट, अच्छा वो यूएसबी देखा तो वहां पर अपना प्लग इन कर दिया। अब यूएसबी तो आप सब लोग यूज करते हैं, पेन ड्राइव यूएसबी करते हैं ना, तो यूएसबी तो इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों है। अगर वो आउटपुट पावर का आपको दे रहा है, तो वो आपके फोन का इनपुट भी, सारा डेटा भी ले सकता है। तो कभी भी कोई भी यूएसबी पोर्ट बाहर कोई चार्जिंग के लिए मत यूज करिए। अगर कहीं आपको 3 पिन 2 पिन सॉकेट, पावर सॉकेट मिलता है, वो यूज करिए, अदरवाइज अपनी अपना बैटरी बैकअप अपने साथ लेके चलिए। द अदर इज कि स्पेशली, दिस इज स्पेशली फॉर विमेन, डोंट पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन चैलेंजेस लाइक सारी चैलेंज और एजिंग पिक्चर। आजकल ये फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम पे आते हैं, एक सर्वे आता है जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, और फिर उसमें वंस यू फिल अप दोस क्वेश्चंस, सो इट विल गिव यू दैट, एंड यू ऑल्सो हैव टू अपलोड योर फोटो, सो इट विल गिव यू दैट, ओके यू रिजेंबल सो सो एंड सो हीरोइन। और जब जब आप 80 साल के होंगे, तो आप इतने ब्यूटीफुल दिखेंगे, हैं, या फिर आप अपना साड़ी पहन के फोटो खींचिए और इसमें डालिए, तो आपका दिस इज अ काइंड ऑफ अ साड़ी चैलेंज। ओके, ऐसे मत कीजिए। इसको करने से आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी सबसे कीमती चीज, आजकल सबसे कीमती चीज क्या है, पैसा इतना नहीं है, गोल्ड इतना नहीं है, ऑयल इतना नहीं है, सबसे कीमती चीज है आपकी इंफॉर्मेशन। आप, हम फ्री में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जस्ट फॉर सम काइंड ऑफ टशन, जस्ट फॉर सम काइंड ऑफ फन। ओके, तो इन सब में पोस्ट करके हमें उस वक्त बड़ा अच्छा लगेगा, अच्छा ठीक है, ऑनलाइन हम फेसबुक पे हमें 10-15 लाइक्स भी मिल जाएंगे, लेकिन हमने उसके बदले उधर क्या दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको, और जब हमने इंफॉर्मेशन दे दी, तो वो इंफॉर्मेशन मिसयूज कैसे हो सकती है। राइट, तो अपनी प्रिवेसी सेटिंग्स रीचेक कीजिए, जैसे मैंने बोला कि हम अपनी डे टू डे लाइफ में बड़े सोच समझ के फ्रेंड्स करते हैं, और अपनी ऑनलाइन लाइफ में एन एवरेज एन एडल्ट हैज अबाउट 400 फ्रेंड्स, 350 to 400 फ्रेंड्स। उसमें से ऐसे कुछ होते हैं कि जो कभी ट्रैवल करते हुए मिले, या किसी ने ऑनलाइन कनेक्ट कर लिया, किसी ने बोला अच्छा ठीक है, यू आर एन इंग्लिश प्रोफेसर, आई एम ऑल्सो एन इंग्लिश प्रोफेसर समवेयर, सो लेट्स कनेक्ट। कनेक्ट करिए, पर उससे पहले उसका चेक कीजिए, क्योंकि कोई भी कुछ फेक अपनी आइडेंटिटी यूज करके आपके साथ फ्रेंडशिप कर सकते हैं। एंड एक है लॉस्ट लॉस्ट एंड फाउंड यूएसबी, ये बड़ा कॉमन है कि आप चल रहे हैं और आपको एक रास्ते में चल रहे हैं और एक आपको पेन ड्राइव मिल गया, अरे वाह नया पेन ड्राइव है, बहुत बढ़िया है, मेरे को तो एक और चाहिए था, और वो पेन ड्राइव लेके डाल दिया अपनी डिवाइस में, लैपटॉप या डेस्कटॉप में, और उससे क्या हो गया, सारा उसमें से पेन ड्राइव में जो वो मेलिशियस वायरस है, वो आपके डेस्कटॉप पे आएगा, और फिर आपके डेस्कटॉप की या लैपटॉप की मिररिंग क्लोनिंग हो जाएगी। वो यूएसबी डेलिब्रेटली किसी ने डाली होती है इसी पर्पस के लिए, कि कुछ लोग जो गलिबल लोग होते हैं, जो इनोसेंट लोग होते हैं, या जो केयरलेस लोग होते हैं, वो इसको यूज कर ले। सो ये थोड़े से पॉइंट्स हैं पर्सनल सेफ्टी के लिए। प्रिवेसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेसी ऑफ अ डेटा, प्रिवेसी ऑफ आवर एक्टिविटीज, हम कहाँ जा रहे हैं, कौन सी पिक्चर देखने जा रहे हैं, कब ट्रैवल कर रहे हैं, प्रिवेसी ऑफ आवर एक्शंस एंड इमोशंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये थोड़ी सी सोशल मीडिया साइट्स हैं, है ना, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ट्विटर की जगह मुझे एक्स डालना चाहिए अभी, और यूट्यूब और फेसबुक और गूगल और ऊबर, हम सब जगह अपनी डिटेल्स देते हैं। अब आप बताइए कि ऑल ऑफ अ सडन इन पास्ट 15 ईयर्स, दीज कंपनीज हैव बिकम वेरी वेरी रिच, द रिचेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड।
ओके और ये रिच कैसे बने हैं? ये रिच आपकी और मेरी डेटा से बने, ये ऐसे रिच बने हैं। और ये कंपनीज की फॉल्ट भी मैं नहीं बोलूंगी, इन ये लोग अपनी सिक्योरिटी सेटिंग्स रखते हैं, हम लोग उन सिक्योरिटी सेटिंग्स को या तो हमें पता नहीं होता, या फिर हम केयरलेस होते हैं, और या फिर लगता है कि अरे ये तो उसके साथ हो सकता है, मेरे साथ थोड़ी हो सकता है ना। हम अपना एक कर कहते हैं ना ऑस्ट्रिच टाइप का, शत्रुमुर्ग टाइप का अप्रोच बना लेते हैं, ये तो मेरे साथ हो ही नहीं सकता। ओके सो इसलिए अब मैं थोड़ी सी आपको सेटिंग्स की बात बताऊंगी कि आप लोग कैसे सेफ रहे। अब गूगल मैप तो हर कोई यूज करता है ना, करते हैं चाहे, तो उसमें अगर आप गूगल मैप में देखेंगे तो जो उसमें एक तो सबसे पहले ये सबसे लास्ट वाला है जिसके आसपास रेड है, लोकेशन हिस्ट्री ऑफ कर दीजिए। ओके अगर जिसकी जिसकी लोकेशन हिस्ट्री ऑफ है वो सेटिंग्स में जाके देखो तो गूगल सब बता देगा कि आप इस साल में इस दिन यहाँ 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 गए थे, और अगर और वो हैक करके, फोन हैक करके, आपका फोन हैक करके कोई भी थीफ, कोई भी हैकर आपकी सारी हिस्ट्री पता लग जाएगी, है ना। अब आप बोलेंगे कि क्या फर्क पड़ता है कि मैं कहाँ गया था, मैं क्या कर रहा हूँ, और क्यों मैं लोगों को आई मीन बताने में क्या प्रॉब्लम है। जैसे अभी एक ये बहुत केसेस हुआ है, ये तो दिल्ली के जज के साथ हुआ था कि उसने, वो लोग बाहर छुट्टी जा रहे थे, सो ही पोस्टेड हिज वाइफ पोस्टेड डिटेल्स की फ्रॉम द एयरपोर्ट कि दैट हम यहाँ यहाँ जा रहे हैं इतने दिन के लिए, गोइंग टू हैव लॉट ऑफ फन, जैसे बहुत लोग डालते हैं गोइंग टू हैव लॉट ऑफ फन, सिटिंग हियर, वो थोड़ा सा शो ऑफ भी हो जाता है, अच्छा भी लगता है, सबके साथ शेयर करो, लाइक भी आ जाते हैं। अच्छा तो वो तो पब्लिक है, वो तो कोई भी देख सकता है, उन्होंने कोई सेटिंग्स भी नहीं करी थी। उसके साथ साथ उन्होंने सोशल मीडिया में अपने फोन नंबर और अपना एड्रेस भी डाला हुआ था। हाँ तो जब वो वापस आए छुट्टी से आफ्टर अबाउट 9-10 days, उनका घर खाली था, क्योंकि देखो किसी को मौका मिल गया, अच्छा ये लोग तो 10 दिन के लिए जा रहे हैं और ये इनका एड्रेस है और फोन नंबर भी था, तो रीचेक भी कर लिया कि सच्ची में जा रहे हैं, फोन करके कोई फेक कॉल करके कि मैडम आपका कुरियर लेके आया था, तो वो बोलेंगी नहीं हम तो है नहीं घर पे, तो रीचेक भी कर लिया। ओके सो इसलिए हम लोगों को क्यों बताएं? अब जैसे इसमें ये मेरा है और मैंने होम नॉट, ये नॉट सेट करा है गूगल मैप में, वर्क नॉट सेट, मैं गूगल मैप को, गूगल को नहीं बताना चाहती कि मेरे घर का एड्रेस क्या है या मेरा ऑफिस का एड्रेस क्या है, और लोकेशन हिस्ट्री भी ऑफ कर रही है जिससे पता ना पता चले मैं कितने बजे जाती हूँ कितने बजे आती हूँ। गूगल की सिक्योरिटी सेटिंग्स अच्छी हैं, पर कोई भी हमारा फोन हैक करके ये सेटिंग्स हमारी ले सकता है, और फोन इसीलिए ही हैक होते हैं, है ना। कि अब मैं क्यों किसी को बताऊं कि मैं, मेरे घर का एड्रेस ये है और इतने बजे मैं घर से जाती हूँ ऑफिस, और इतने बजे मैं, मेरा ये वर्क प्लेस है, मेरा ऑफिस इस जगह पर है, और लोकेशन हिस्ट्री से पता चल जाएगा कितने बजे जाती हूँ कितने बजे आती हूँ, कब मार्केट जाती हूँ, कब, पूरी डिटेल्स हम दुनिया को क्यों बताएं? क्योंकि इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बाद में जाके अपने गूगल अकाउंट को जाके उसको रीसेट कर दीजिए, ठीक है। नाउ वी कम टू व्हाट्सएप। ओके व्हाट्सएप में अभी आप ये मत कीजिए नहीं तो आप डाइवर्ट हो जाएंगे, इसका अगेंस्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको बोल रही हूँ, कोई मैं कोई कॉपीराइट का वो नहीं होगा, मैंने भी स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं अपने फोन से। सो व्हाट्सएप में आजकल जो मैसेजेस आते हैं या इस टाइप के, तो उसको हमको कम करने के लिए, हम बिल्कुल कम तो नहीं कर सकते, मतलब खत्म तो नहीं कर सकते, पर मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। तो उसमें अगर आप ये नीचे सेटिंग पे जाएंगे जहां पर मेरा कर्सर है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रिवेसी, अकाउंट प्रिवेसी, चैट नोटिफिकेशन मिलेगा, तो हमको प्रिवेसी पे जाना है, हम प्राइवेसी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम जब प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये सेकेंड विंडो ओपन हो जाएगी प्राइवेसी वाली, और यहाँ पर ये स्टार्ट चेकअप हमें करना है। इसमें हम देखेंगे कि एक आता है लास्ट सीन ऑनलाइन, ये तो आपको मालूम होगा दैट सो एंड सो वाज एक्टिवेटेड 2 मिनट्स बैक और 2 आवर्स बैक। हम क्यों किसी को बताएं कि हम कब हमने व्हाट्सएप यूज करा था, क्यों दुनिया को बताएं? नहीं बताना चाहिए, उसका फायदा क्या है? लोग हमें ट्रैक करेंगे, ने? प्रोफाइल फोटो है, माई कॉन्टैक्ट्स कर दीजिए या नोबडी कर दीजिए, पब्लिक मत कीजिए कि कोई फोटो डाउनलोड ना कर सके, है
अबाउट अगर किसी को या तो माई कॉन्टेक्ट कीजिए या नोबडी कीजिए। और जो ग्रुप्स है, ग्रुप्स में 1059 एक्सक्लूडेड का मतलब है कि मेरे 1059 कॉन्टेक्ट्स हैं और मैंने किसी को भी परमिशन नहीं दी है कि आप मुझे ग्रुप्स में डालें। आप बोलेंगे कि ग्रुप्स में क्यों ना डालें? अगर ऐसे है तो फिर मैं अपने फैकल्टी के, फैमिली के, फ्रेंड्स के, इस सब के ग्रुप्स में कैसे पार्ट लेंगे? हाँ जी जनाब, ग्रुप्स में जरूर जाइए, लेकिन अपनी मर्जी से। कोई आपको खींच के आपके इंफॉर्मेशन के बिना किसी ग्रुप में ना डाल सके, है ना? तो इससे क्या होगा, अगर आपने एक्सक्लूड कर दिया सारे कॉन्टेक्ट्स को, और लेट्स से कि आपकी आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस है, इंग्लिश है, तो आपका एक इंग्लिश का ग्रुप बन रहा है या आपका एक फैमिली ग्रुप बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो उसमें आपको इन्वाइट किया जाएगा। यू विल गेट एन इन्विटेशन, सो यू विल गेट अ मैसेज फ्रॉम सो एंड सो, यू नो सो एंड सो इज योर कजन और चाइल्ड और इज योर कोलीग, सो एंड सो इज इनवाइटिंग यू टू बी पार्ट ऑफ देयर ग्रुप, सो कंफर्म, क्लिक ऑन दिस लिंक टू कंफर्म। तो पहले तो आप ये देखिए जो आपको ग्रुप में इनवाइट करना है वो उसकी ट्रू आइडेंटिटी है या नहीं है। हाँ है, अगर वो हो गई तो फिर आप क्लिक कीजिए ओके एंड देन यू विल बी पार्ट ऑफ द ग्रुप। कोई आपको बिना विदाउट योर नॉलेज ग्रुप में नहीं डाल सकता। बहुत सारे ग्रुप्स में होने की डिसएडवांटेज है। एक तो मतलब बार बार वो आपको इट्स एन इन्वेजन ऑफ योर प्राइवेसी एंड टाइम भी जाता है। पर सबसे बड़ी बात है कि अगर लेट्स से आप किसी को, आप ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़, और रास्ते में कोई ट्रेन में कोई मिल गया, उससे गप्पे अप्पे शुरू हो गई, वो फ्रेंड बन गया, चलो जी फिर मिलेंगे, आपको तो उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, फिर वो आपकी कांटेक्ट में आ जाता है ना, आपके फोन के कांटेक्ट में हो जाएगा, या तो दैट पर्सन यू डोंट नो कि वो पर्सन रियल है, फेक है, या उसकी वो कुछ गलत काम में इन्वॉल्व है, नहीं है, है? और उसने कोई एंटी नेशनल, एंटी रेशियल, सेक्सिस्ट टाइप का ग्रुप बनाया, उसमें आपको ऑटोमेटिकली डाल दिया, तो कल को उस ग्रुप की छानबीन हो गई पुलिस से, गवर्नमेंट से, यू विल ऑल्सो बी कॉट। तो ये छोटी सी चीज होती है लेकिन इसके रिपरकशंस बहुत होते हैं। और सबसे इससे बड़ी बात है, चूज हु कैन कॉन्टैक्ट यू, है जिनको ब्लॉक करना है कर दीजिए, कंट्रोल योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये लास्ट स्क्रीन पर है कि आपको किसको कितना बताना है, कितने लोगों को बताना है, वो भी आप इसको क्लिक करके इसको सेट कर सकते हैं। एड मोर प्राइवेसी टू योर चैट, टू योर चैट्स, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, एनक्रिप्शन ऑन कर सकते हैं, अपना प्राइवेसी कर दीजिए, एंड एड मोर प्रोटेक्शन टू योर अकाउंट, दैट इज द टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ओके, मेरे सेशन के बाद आपके बाकी भी सेशंस के टेक होम होंगे। टेक होम मतलब होमवर्क होगा। इसका ये है कि आपका ये होमवर्क है, कोई चेक नहीं करेगा, आप ही कुछ चेक करेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी सेफ्टी। अच्छा, अब हम दूसरा आते हैं फेसबुक पे। फेसबुक पे भी हम सेटिंग्स पे जाएंगे और जाके सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे, तो इसमें हम अपनी पर्सनल और अकाउंट इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन हमारी क्या डिटेल्स देखे। और सेकंड आता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। सब मैंने रेड उसमें डाले हुए हैं कि हम अपना पासवर्ड अपडेट करना है, स्ट्रॉन्गर करना है ना, वो इम्पोर्टेंट है। और ये थर्ड है, बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, प्राइवेसी चेकअप। तो ये चाहे फेसबुक है, फेसबुक का तो एक एग्जाम्पल दिया है, बाकी वो ट्विटर दैट इज द एक्स है, फेसबुक को आप मेटा कहते हैं, तो मैं फेसबुक इसलिए यूज कर रही हूँ कि बहुत लोगों को मेटा नहीं मालूम है, ठीक है? और या स्नैपचैट है, या इंस्टाग्राम है, या लिंक्डइन है, कोई भी साइट है, जाके आप ये प्राइवेसी चेकअप रन कर सकते हैं। और जब ये प्राइवेसी चेकअप रन करेंगे तो आपको ये प्लेटफॉर्म बता देंगे कि आपकी सिक्योरिटी इधर वीक है और इधर स्ट्रांग है। ओके, सो नाउ यू सी द प्लेटफॉर्म्स आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू, बट वी बिकॉज वी हैव नो आइडिया और वी आर केयरलेस, हम ये प्रोटेक्शन नहीं यूज करते, ठीक है? अभी हम आते हैं ऑडियंस और विजिबिलिटी के ऊपर। सबसे पहले ये भी बहुत जरूरी है, अपना प्रोफाइल लॉक कर दीजिए। प्रोफाइल लॉक करने से आपके जो जो आप पोस्ट करते हैं, आपकी हिस्ट्री वगैरह, आपकी टाइमलाइन, एक्सेप्ट फॉर योर क्लोज फ्रेंड्स, एक्सेप्ट फॉर योर कॉन्टेक्ट, कोई नहीं देख पाएगा।
आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन चली जाएगी, लेकिन उसके बाद आपने क्या पोस्ट करा या आपकी जियो लोकेशन क्या है, आपके और कॉन्टैक्ट्स क्या है, वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। वो इंफॉर्मेशन तब मिलेगी जब आप उसको अपना फ्रेंड कंफर्म करेंगे। हम पब्लिक को क्यों अपनी इंफॉर्मेशन दें, है ना? सो इस टाइप से ये प्रोफाइल लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप, मैं किसी से फ्रेंड होना चाहती हूँ और उसका प्रोफाइल लॉक्ड है, तो मैं उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजू, ओके? और मेरे फ्रेंड को चाहिए वो मेरा वेरिफिकेशन करे, जीरो ट्रस्ट है कि पता नहीं निशा दुआ कौन है ना, एंड और ये सही निशा दुआ है या नहीं, फेक है या फेक या रियल है, तो वो मेरी वेरिफिकेशन मेरे फ्रेंड को करनी चाहिए। और फिर इफ मगर मेरे फ्रेंड को लगता है कि आई कैन एड वैल्यू, तो वो मेरा फ्रेंड मुझे कैन एक्सेप्ट माई इनवाइट, ठीक है? तो ये फेसबुक का है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो जैसा फेसबुक में है वैसा और बाकी सोशल मीडिया साइट्स में भी सब है। अब गूगल की बात करते हैं, गूगल तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ है। गूगल टेक्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम अस, बट गूगल ऑल्सो हैज वेरी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स, एंड विच गूगल हैज इट्स ओन फायरवॉल्स। और गूगल ने हमको भी ऑप्शंस दिए हैं कि हम अपने अकाउंट को सिक्योर रखें। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये कैसे आएगा, जब आप अपने ये जो एन है, क्योंकि माई नेम इज निशा सो इट इज कम एन, मैंने अपनी कोई प्रोफाइल फोटो अपलोड नहीं करी है, मुझे जरूरत ही नहीं लगी कि मैं इधर अपनी प्रोफाइल फोटो अपलोड करूँ, हाँ। और इसमें मैंने जब क्लिक करा, जब ये इस पे क्लिक करा, तो मैं सेटिंग्स इस पे, ये वाले पेज पे आ गई, और यहाँ पर मैनेज योर डेटा प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे तो आपको, जैसे मैंने पहले ऑप्शन फेसबुक के बताए थे, ऐसे गूगल के भी बहुत ऑप्शंस हैं, उसमें आप सारे सिक्योर ऑप्शंस ले लीजिए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज, और ये जाके अपना गूगल अकाउंट भी सिक्योर कीजिए। और अभी हम आते हैं मेन चीज पे, फाइनेंशियल फ्रॉड्स पे। अभी तक मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी सेटिंग्स कैसे एनेबल कर सकते हैं फॉर मोर सेफ्टी एंड प्रिवेसी। एग्जाम्पल मैंने व्हाट्सएप का बताया, फेसबुक का बताया, गूगल का बताया। सेम चीजें आप बाकी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी कर सकते हैं, अपने बैंकिंग अकाउंट्स में भी कर सकते हैं। एक बार जाके देख लीजिए, जैसे बैंकिंग अकाउंट में आप वर्चुअल कीबोर्ड यूज करिए, पासवर्ड तो स्ट्रॉन्ग होने ही चाहिए, उसके साथ वर्चुअल कीबोर्ड यूज करिए। हम नॉर्मली, हमें लगता है कि फटाफट जी टाइप कर दें, लेकिन वर्चुअल कीबोर्ड का टाइप करके ना, कई आप जैसे लेट्स से कि मेरी हैक हो गया है, तो उसमें की लॉगिंग भी ली जा सकती है, ओके? और उसमें एक कोई इमेज वगैरह का भी होता है या कुछ और पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल कर, ठीक है? और अभी फाइनेंशियल फ्रॉड्स पे आते हैं, जो 76.4% थे, ओके? सबसे पहले ओटीपी स्कैम, बैंक्स बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बोलती हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जहां आप करते हैं, सब बोलते हैं कि वी नेवर आस्क फॉर ओटीपी, ओटीपी कभी मत भेजिए। आपके पास कोई ओटीपी की या केवाईसी की कोई फोन आता है, तो वो फिशिंग है, वो फेक कॉल है टू टेक योर क्रेडेंशियल्स। उसको कोई बैंक आपसे केवाईसी ऑनलाइन नहीं कराएगा, कभी भी नहीं, ओके? बैंक्स बोलते हैं कि आप अपनी हमारी वेबसाइट पे जाइए, और वेबसाइट भी मैं बताऊंगी कैसे हमें चेक करनी चाहिए कि वो फेक वेबसाइट तो नहीं है। बेस्ट इज चले जाइए बैंक, है थोड़ा बैंक के ऑफिशियल से अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाएगी, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ये केवाईसी वगैरह तो बिल्कुल ऑनलाइन मत कीजिए, कोशिश करिए मत कीजिए। अच्छा, एक है क्रेडिट डेबिट कार्ड फ्रॉड। अब क्रेडिट डेबिट कार्ड तो सब लोग यूज करते हैं कि नहीं, हाँ? तो उसमें कितने लोगों को क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड एटीएम का फ्रॉड मालूम है कि एटीएम में भी फ्रॉड होते हैं? किसके साथ यू हुआ है या किसके किसी फ्रेंड के साथ हुआ है? किसके साथ ये, हाँ, तो इसमें मेरे पास आंसर्स आ रहे हैं, मी माई फ्रेंड, हाँ, ये काफी कॉमन है। ये क्यों कॉमन है मैं आपको बताऊं, क्योंकि देखो क्रेडिट डेबिट कार्ड तो, आप पैसे तो हम निकालते हैं मोस्टली एटीएम से ही निकाल लेते हैं, तो जब एटीएम में हम लोग अपना क्रेडिट, ये सॉरी डेबिट कार्ड डालते हैं, तो हमको ये चेक करना चाहिए जो जहां पर इंसर्ट करते हैं
है वो कई बार उधर कैमरा होता है, और कैमरा होता है और उस कैमरे से मतलब जो हमारे कार्ड के डिटेल्स होते हैं ऊपर नीचे उनकी इमेज ले ली जाती है, ठीक है, वो कार्ड की डिटेल की इमेज हो गई सारी। और कई बार जो ऊपर कैमरा होते हैं और जो हम अपना पिन डालते हैं और या फिर उसमें कीपैड ट्रांसफर की भी फैसिलिटी होती है कि जो आप कीपैड में डालते हैं उसको भी वो मिरर कर लेते हैं, ठीक है। एक तो क्रेडिट डेबिट कार्ड का ये है, दूसरा है कि हम पेट्रोल फिल करा रहे हैं या हम रेस्टोरेंट में गए हैं, अब रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो ठीक है बिल पे करना है, हाँ बिल पे करने के लिए सर क्रेडिट कार्ड से देंगे पैसे देंगे, हाँ जी हम तो अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड से देंगे, तो आपका वो डेबिट कार्ड लेके चला जाता है काउंटर पे जहां पर बिलिंग हो रही होती है, और वो कार्ड आप वो कई बार ऐसे होता है कि वो ले जाके वो उसकी आगे पीछे की फोटो ले लेते हैं और उनके पास सारी कार्ड डिटेल्स आ जाती है, या फिर पेट्रोल पंप में आप कार्ड डिटेल्स उनके पास जाएंगी तो आप बोलोगे बिना कार्ड के वो क्या कर सकते हैं। अब आप बताइए जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, आप अमेजन से फ्लिपकार्ट से कहीं से कुछ लेते हैं तो आपसे क्या मांगा जाता है, आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड नंबर, आपका नाम, हाँ डेट ऑफ एक्सपायरी और कार्ड के पीछे जो सीवीवी नंबर होता है, उनके जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं उनके पास इसकी फोटो है तो वो आपके नाम से खूब मजे से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो हम मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड से पेमेंट मत कीजिए, पर आजकल उनके पास रिमोट वाली वो कॉर्डलेस वाले पेमेंट वाले होते हैं, उनको बोलिए इधर लाइए और मेरे सामने कीजिए, राइट। और ऐसा नहीं है कि अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं जी कार्ड दे दिया जी, वो अंदर जाके जहाँ पर उसका कैशियर है उधर जाके वो कर रहा है, रास्ते में तो पता चला कि वो कार्ड की मिररिंग ही हो गई। एटीएम फ्रॉड्स मैंने बता दिया है। अब नेट बैंकिंग बहुत लोग करते हैं, जैसे पहले सेशन में बोला था कि नेट बैंकिंग करते हैं आप लोग, ठीक है, तो नेट बैंकिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, इट इज फाइन टू डू। बैंक की फायरवॉल्स, बैंक बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनकी जो फायरवॉल होती है ना उनके उनके सिस्टम के आसपास, जो आप उसको टेक्नोलॉजी बाउंड्री वॉल कर दें कुछ कर दें वो बहुत स्ट्रांग होती है। बैंकिंग फ्रॉड्स जो होते हैं मोस्टली हमारी अपनी गलती से होते हैं, केयरलेसनेस से होते हैं, या तो हम अपना पासवर्ड स्ट्रांग नहीं रखेंगे या हमने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं रखा हुआ है, और या फिर हम जब ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो हम वो केयरफुल नहीं रहते, तो हमें क्या क्या चीजें उसके लिए सोचनी, उसके उसके लिए हमें व्हाट आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। सबसे पहले जब आप नेट बैंकिंग करते हैं कभी भी उस बैंक का गूगल मत कीजिए। लेट्स से मैं एचडीएफसी बैंक से मैं नेट बैंकिंग करना चाहती हूँ, मुझे उनका नेट बैंकिंग का यूआरएल नहीं मालूम है तो मैं गूगल करूंगी। गूगल से क्या होता है कि चाहे वो नेट बैंकिंग हो, चाहे वो स्विगी से पेमेंट हो, चाहे कुछ हो, तो कई बार वो फेक वाला यूआरएल ऊपर आ जाता है। किसने, बिकॉज यू नो पीपल लाइक मी हु आर नॉट केयरलेस, हमको पकड़ने के लिए इस टाइप के थीफ हैकर्स बहुत होते हैं, तो वो हम वो फेक लिंक पे क्लिक करते हैं। जब हम उस फेक लिंक पे क्लिक करते हैं गूगल से तो हमें वो सिमिलर लुकिंग साइट पर ले जाता है जहां पर वो बैंक का एसबीआई है, चाहे कोई भी बैंक है, चाहे एचडीएफसी है, उसका लोगो भी वैसे ही होता है। अब हम तो इतना ध्यान से तो नहीं देखेंगे ना, ये लोगों में कुछ डिस्क्रिपेंसी है, इतना ध्यान से तो कोई नहीं देखता, उसकी कलर स्कीम भी वही होगी, उसका वो प्लेसमेंट भी वैसे ही होगा, है तो ये फेक साइट होगी, उस फेक साइट में सारा वो सेम रहेगा और उसमें आप अपने डिटेल्स डालेंगे और उसमें पासवर्ड डाल दिया, यूजर नेम डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया, आपने यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया, उसके बाद वो साइट ब्लॉक हो गई क्योंकि वो साइट में आप ट्रांजैक्शन तो कर नहीं सकते, वो सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड तक होती है, उनके पास आपका यूजर नेम और पासवर्ड आ जाता है, आपने ओटीपी भी डाल दिया, सब कुछ भी डाल दिया और वो सब आ जाता है बिफोर यू नो, एंड उसके बाद वो साइट काम नहीं करती और आप सोचते हैं उसमें बोला कुछ मैसेज आ जाता है या साइट काम ही नहीं करती, आपको लगता है कि अरे मेरे तो इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई है, जब तक आप कुछ और, या मैं चलो अब मैं शाम को देख लूंगी इसको, लेकिन शाम तक उन हैकर्स ने, उन थीव्स ने आपका यूजर नेम और पासवर्ड उनको मिल गया और ओटीपी भी मिल गया, ओटीपी इज वैलिड फॉर फ्यू मिनट्स, वो फटाफट आपकी साइट पे जाके आपके नेट बैंकिंग साइट पे जाके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले गूगल से नहीं देखना चाहिए, हमें नेट बैंकिंग का यूआरएल बैंक से ही लाना चाहिए।
किसी फ्रेंड से भी नहीं लेना चाहिए, फ्रेंड के पास भी फ्रॉड हो सकता है, उसको नहीं मालूम होगा, और हमें वो टाइप करना चाहिए। मुझे मालूम है टाइप करना थोड़ा सा परेशानी होती है, गलत टाइपिंग हो जाती है, पर एक बार आपका सही टाइप हो गया तो उसको आप अपनी रीडिंग लिस्ट में, फेवरेट्स में शेयर कर दीजिए, और वो लिंक शेयर हो जाए, आपका फेवरेट्स में चला जाएगा आपके लैपटॉप पे, और नेक्स्ट टाइम आप फेवरेट में जाके कोई बैंक का नाम ढूंढ के फिर वो लिंक यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब लेट्स से कि आप बड़े केयरफुल थे और आपने उसमें करेक्ट यूआरएल बैंक से लेके टाइप करा, ओके, और उसमें ट्रांजैक्शन कर लिया। अब ट्रांजैक्शन करने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको क्लोज करना है। बहुत टाइम, बहुत बार लोग क्या करते हैं कि वो ऊपर विंडोज की जो क्रॉस, विंडो बंद होने वाले जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो क्रॉस होता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड इन मैकबुक ऑन द राइट हैंड साइड, ओके, हम क्रॉस करके हम विंडो तो हमारी बंद हो जाती है, लेकिन वर्चुअली हमारा सब ओपन रहता है। ठीक है, तो अब हमें उसमें लॉग आउट करना चाहिए। ये तो वही बात हुई कि हम लोग अपना दरवाजा भिड़ा के काम पे चले गए कि भाई हमने तो दरवाजा बंद कर लिया। बंद करने का मतलब है कि आप उसको अच्छे से लॉक करेंगे, रीचेक करेंगे, वो अपनी रियल लाइफ में करते हैं ना, तो वो ऑनलाइन में भी कीजिए। उसमें लॉग आउट करना और फिर वो विंडो बंद करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपकी विंडो खुली रहेगी। ठीक है, एक और नेट बैंकिंग का सेफ तरीका ये है कि हम लोग कई बार क्या देखते हैं कि कोई भी साइट आ जाती है, जैसे हमने जल्दबाजी में गूगल करा तो वो HDFC की जगह HFDC हो जाएगा और SBI की जगह SBI वाला हो जाएगा। हमारी इंफॉर्मेशन सबके पास चली जाती है तो रैंसमवेयर हो जाता है, लोग हमें ब्लैकमेल करते हैं, रैंसम मांगते हैं कि आपकी फोटोज हमारे पास है या आपका डेटा हमारे पास है, अगर आपको चाहिए तो आप इतना रैंसम दीजिए। और ये सब फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग और विशिंग स्कैम्स होते हैं। ठीक है, और फिशिंग होता है जब फोन से आपको फेक कॉल्स आते हैं, स्मिशिंग होता है जब आपको SMS आते हैं, टेक्स्ट आते हैं, विशिंग तब होता है जब कोई वॉइस कॉल होती है। ठीक है, और डीप फेक फ्रॉड्स तो मैंने आपको बता दिया है। अभी आई एम कमिंग टू ऑलमोस्ट द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। सो इंडिया के साइबर क्राइम हॉटस्पॉट्स मोस्टली ये है जो इसमें है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जगह नहीं होता है। यहाँ से फोन करके तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। हमारे जो इधर इधर के इंडिया में जुगाड़ तो बहुत है, हमारे जामतारा, ये जो लास्ट में है जामतारा के जो ये अनएजुकेटेड यूथ हैं, ये लोग तो US में भी कॉल करके उनको स्कैम कर रहे हैं, ये बोल के कि हम आपके सोशल सिक्योरिटी से हैं, आप FBI से हैं। तो मोस्टली हॉटस्पॉट क्राइम्स ये हैं। ठीक है, ये नोट करने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो यू नीड टू प्रिवेंट, प्रिपेयर एंड प्रोटेक्ट, ये आपके हाथ में है। ठीक है, और ये डूज एंड डोंट्स क्विकली हैं, कुछ तो मैंने बता दिए हैं और कुछ अब मैं टाइम देख रही हूँ कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी लेना चाहती हूँ। सो डू में है ऑलवेज विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ बैंक और मर्चेंट फॉर करेक्ट कस्टमर केयर नंबर। जैसे अभी बहुत सारे स्कैम्स होते हैं ना कि आपको स्विगी से खाना ऑर्डर करना है और या फिर डोमिनोज से पिज्जा ऑर्डर करना है तो गूगल कर लिया, हाँ गूगल करके उसका नंबर ले लिया, अब वो फेक नंबर मिल गया, फेक नंबर पे कॉल कर दिया, वो बोलता है कि सर आपके पास ये OTP आया होगा, OTP आपने बता दिया, भाई पेमेंट जब खाना तो खाना खाना है, और तब तक आपका सारा डिटेल्स उसके पास चला जाता है। और या फिर वो बोलेगा हाँ जी सर आपके पिज्जा का ऑर्डर है, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वो मेलिशियस सॉफ्टवेयर जिसको मॉलवेयर भी कहते हैं वो आपके पास आपके फोन पे आके फोन क्लोज कर देगा। सेकेंड इज कीप योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेटेड विद द बैंक टू गेट ट्रांजैक्शन अलर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और SMS अलर्ट को बिल्कुल ऑन रखिए, और है SMS
In case anybody is taking money from your bank, will get an alert and you can stop the further payment, है ना? और सिक्योर योर डेबिट क्रेडिट कार्ड्स एंड सेट डेली लिमिट्स. जैसे एक अभी जब आपके पास डेबिट क्रेडिट कार्ड आते हैं तो वो अनलिमिटेड होते हैं, डेली 1 लाख यू कैन स्पेंड एंड ऑल दैट. वो मतलब उसमें लिमिट्स बहुत हाई होती है. लेकिन हमें अपना ध्यान खुद रखना है कि कल को हमारा कार्ड अगर इधर उधर हो भी गया तो हमारी उसमें डेली लिमिट कितनी होगी. डेली लिमिट 20,000 25,000 रखिए, क्योंकि अगर किसी के हाथ लग भी गया तो वो उससे ज्यादा नहीं उसमें से पैसे निकाल सकता है. ये तो मैंने बता दिया है. यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स एंड डिफरेंट फॉर बैंकिंग एंड अदर थिंग्स. एंड जहां भी आपको कोई स्कैम लगता है, रिपोर्ट एनी अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन, इन्फॉर्म योर बैंक इमीडिएटली. नाउ डोंट आते हैं, डोंट एंटर यूपीआई और स्कैन और क्यूआर कोड टू रिसीव पेमेंट्स. कभी भी नहीं. ओएलएक्स पे कहते हैं कि आप ऐसे करिए, आप हमें 1 रुपी ट्रांसफर करिए जो आपको वापस मिल जाएगा. हाँ, और तो वो ट्रांजैक्शन मत कीजिए. या फिर आपको बोलते हैं कि आपको इस चीज के लिए पेमेंट मिलेगा, आपको पेमेंट किसी ने ऑनलाइन, ये ऑनलाइन सर्विसेज के, ऑनलाइन जॉब के बहुत स्कैम होते हैं. तो आपको जैसे किसी को कोई कहता है कि आपको ये एडिटिंग करनी है, ये एडिटिंग करेंगे तो आपको 5,000 रुपए पर डे मिलेंगे. तो पहले तो एक दो बार वो 5,000 दे देंगे, उसके बाद आपके अकाउंट पे एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे. और एक्स्ट्रा पैसे जब आएंगे वो बोलेंगे ओहो सॉरी वी सेंट यू एक्स्ट्रा मनी, सेंड देम बैक. है, जब आप उनको वापस भेजेंगे तो आपके अकाउंट डिटेल सारी उनके पास चली जाएंगी. और फिर ये सबसे बड़ा स्कैम है पैसे हैक करने का. सेव योर बैंकिंग यूजर नेम पासवर्ड. नेवर सेव योर बैंकिंग यूजर नेम पासवर्ड ऑन द वेब. आता है ना, डू यू वॉन्ट द वेबसाइट टू रिमेंबर योर यूजर नेम पासवर्ड? नेवर. एक छोटी सी डायरी रखिए, छोटी सी डायरी में, वो डायरी मैं कह रही हूँ फिजिकल डायरी रखिए, पेपर की डायरी, और वो अपने ड्रॉअर में रखिए. डू नॉट क्लिक लिंक्स इन एसएमएस मेल्स. ये तो मैं आपको तब से कह रही हूँ. डू नॉट डाउनलोड थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब भी, जैसे आप कुछ बैंकिंग भी करते हैं, इट टेल्स यू दैट यू आर बीइंग डायरेक्टेड टू थर्ड पार्टी एप्लीकेशन. थर्ड पार्टी का मतलब है कल को अगर स्कैम हो जाए तो वो बैंक या कोई और ऑर्गेनाइजेशन जो थर्ड पार्टी, जिसको जिससे तुम थर्ड पार्टी के आगे जा रहे हो, वो आपको नहीं प्रोटेक्ट कर सकता. और थर्ड पार्टी छोटी मोटी पार्टी होगी जिसकी फायर वॉल्स भी, जिसकी बाउंड्री वॉल्स भी नहीं सिक्योर होगी. नेवर शेयर योर आई डी, लॉग इन पासवर्ड, ओ टी पी, सी वी वी विद एनीबडी, वेदर इट इज टेलीफोन. हेलो, कैन यू हियर मी? यस मैम, यू आर ऑडिबल. यस मैम. ओके. व्हाट टू डू इन केस यू हैव बीन ड्यूप्ड? सबसे पहले तो बैंक को कॉल कीजिए और इमिडिएटली अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड अकाउंट को फ्रीज करवा दीजिए, कि जितना गया गया पर कम से कम बाकी नहीं जाना चाहिए. सेकेंड, कॉल 1930 और गो टू cybercrime.gov.in. ये नेशनल कंप्लेंट नंबर है और ये नेशनल कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर है. और अपनी जो आपको अपनी दर्ज करानी है वो cybercrime.gov.in पे जाके अपनी कंप्लेंट अपलोड कीजिए विद वट एवर दे नीड. उसके बाद चेंज योर पिन एंड पासवर्ड ऑफ ऑल दी अकाउंट्स. और एक और चीज है, आपको अगर ये फाइनेंशियल फ्रॉड है तो आपको FIR भी करवानी पड़ेगी नियरेस्ट साइबर सेल में. एंड उसके बाद यू रन द फोन डायग्नोस्टिक्स टू सी अगर आपका कोई एंटीवायरस, मॉलवेयर, विंडोज डिफेंडर वगैरह होते हैं, और वो आपके आपके उसमें तो नहीं चल रिपीट है. ये आप फटाफट पढ़ लीजिए, बिकॉज ये सब मैंने आपको बता दिया है. बट स्टिल वॉन्टेड टू काइंड ऑफ मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल ऑफ.
ओके आई एम प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट. प्लीज रीड रीड दिस. दीज हैव ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू यू. इनका आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं. अच्छा अभी रिपोर्ट कैसे करना है. रिपोर्ट कई लोग स्कैम्स होते हैं पर रिपोर्टिंग से डरते हैं या फिर प्रोसेस नहीं मालूम होता. ये बहुत इजी प्रोसेस है. तो एक तो सोशल रिपोर्टिंग होता है, या आपके स्कूल या कॉलेज में किसी की बुलिंग हो रही है, किसी स्टूडेंट की कोई हैरेस हो रहा है, कोई ट्रोल हो रहा है, किसी को अब्यूजेस मिल रहे हैं, तो ये मतलब दिस हैव टू बी रिपोर्टेड टू द स्कूल काउंसलर एंड अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज. फिर उसके बाद है प्लेटफॉर्म रिपोर्टिंग. लेट्स से कि किसी ने आपका फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट हैक कर लिया है. अब आप उसको उस अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, तो उस पहले तो हैक क्यों हुआ, क्योंकि द पासवर्ड वॉज प्रॉबली यू नो नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, और उसने आपके अकाउंट में हैक करके और उसका पासवर्ड चेंज कर दिया. तो जैसे किसी ने आपके घर में घुस के आपका यू नो उसमें बैठ के और उसके लॉक्स वॉक्स चेंज कर दिए, तो आपको तो उस घर में घुस ही नहीं सकते. तो आप ये प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट करेंगे. प्लेटफॉर्म्स आर वेरी एजाइल ऑन दीज एंड दे कैन दे टेक एक्शन. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज लीगल एंड फॉर्मल रिपोर्टिंग. जैसे राइट साइड पे आओगे तो इट्स वेरी क्लियर फॉर्मल रिपोर्टिंग इज ऑन द गवर्नमेंट वेबसाइट cybercrime.gov.in, और या फिर आप 1930 पे कॉल भी कर सकते हैं. हा? और साइबर सेफ्टी सेल्स हैं डिस्ट्रिक्ट में, उसमें जा सकते हैं. फॉर क्राइम्स अगेंस्ट चिल्ड्रन देर इज एनसीपीसीआर का चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन भी है. और जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं आई वर्क एज अ कंसल्टेंट, उधर वो है साइबर पीस. साइबर पीस बहुत सारे सेशंस करते हैं. हम लोग एनसीईआरटी के साथ भी करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ भी करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में स्कूल्स के साथ, एससीईआरटीज के साथ, सबके साथ सेशंस करते हैं हम. तो हमारा भी 24/7 हेल्पलाइन है, और ये नंबर है 9575x066. यहाँ पर भी आप टेक्स्ट भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आप लोग के पास होना चाहिए. ठीक है, और बस एंड में मैं ये बोलूंगी कि दिस इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड है. इस वर्ल्ड में हम ये नहीं कह सकते कि टेक्नोलॉजी अनसेफ है तो हम नहीं यूज करेंगे. नहीं, हम टेक्नोलॉजी की फुल पोटेंशियल को यूज करेंगे. अपने स्टूडेंट्स को भी इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में सक्सीड होना सिखाएंगे, और पर हम केयरफुली ये सब करेंगे. सो ये तो इंफॉर्मेशन सेफ्टी सुपर हाईवे है. जैसे आप हाईवे में गाड़ी चलाते हैं तो यू टेक केयर कि ओवर स्पीडिंग ना हो, लेन रूल्स फॉलो करें, ट्रैफिक सिग्नल्स फॉलो करें, ये सब होते हैं ना? और आगे ब्रेक लाइट्स काम करें, हेडलाइट्स काम करें, सब करते हैं. अगर अगर हम हाईवे पे हम अपने सेफ्टी वो नहीं फॉलो करेंगे तो कुछ ना कुछ तो क्रैश क्रूश तो हो ही जाएगा. So travel smartly and safely on this information superhighway along with your students, along with your family, along with your friends. Be a role model to the young ones and don't be left behind in this technology age. Technology ka potential acche se use karke become a very successful and responsible digital citizen. So that is all from me. Aur agar aap और इंफॉर्मेशन चाहते हैं, अलर्ट्स वगैरह, साइबर पीस फाउंडेशन पे जाइए. इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस होते हैं, उसमें आप इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं. और ये जो एनसीईआरटी के साइबर जागरूकता के सेशंस होते हैं हर फ्राइडे द फर्स्ट वीक ऑफ अ मंथ, नहीं हर होता है फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे साइबर जागरूकता के सेशंस होते हैं. डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स लेते हैं, कभी सेफ ऑनलाइन लर्निंग, कभी सेफ सोशल मीडिया, कभी फाइनेंशियल फ्रॉड्स. ये लोग ये 4 से 5 होते हैं पीएम ई विद्या चैनल पे, उनको भी अटेंड कीजिए एंड इनकरेज योर स्टूडेंट्स ऑल्सो टू पार्टिसिपेट. सो नाउ
जी हाँ आपका म्यूट हो गया था तो मुझे लगा शायद। हाँ, वो गलती से म्यूट हो गया था। तो डॉक्टर गुलशन, अभी ऐसे करते हैं कि आप, मैं आई एम रेडी टू टेक थ्रू चैट ऑल्सो, एंड आई एम रेडी इफ यू वॉन्ट टू ओपन द माइक फॉर क्वेश्चंस आइदर वे। ठीक है, तो मैम लेट्स चेक द चैट बॉक्स फर्स्ट, अगर इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है, क्योंकि आप साथ के साथ रिस्पॉन्स भी दे रहे थे, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो हम चेक कर लेते हैं, अदरवाइज मैं रिक्वेस्ट करूंगी एडमिन से कि अलाउ करें पार्टिसिपेंट्स को। बट और एक रास्ता ये भी है कि आप वर्चुअल हैंड अपना रेज कर लें, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं तो वो ज्यादा मुझे लगता है सॉर्टेड रहेगा। आप वर्चुअल हैंड रेज कर दीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन तब तक पूछा है मैम, प्राइवेट बैंक से जो कॉल आती हैं मोस्टली लोन के लिए, उनको रोका जा सकता है? आप देखिए, मैं ये बोलूंगी कि अननोन नंबर से कॉल अटेंडी मत कीजिए, हाँ जी बेस्ट थे। ओके, अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, मैं चैट से ही ले रही हूँ। इज जी देयर एनीबडी प्रेजेंट हु गॉट द सोल्यूशन आफ्टर रिपोर्टिंग ऑन 1930? यस, 1930 में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन यस, उधर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं, वो ऑटोमेटेड कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और उसको वो रिस्पॉन्ड करते हैं, काफी लोगों का हुआ है। ठीक है, और ये है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लॉस 4 लाख इन एन ऑनलाइन फ्रॉड विच वॉज रिलेटेड टू SBI योनो ऐप। आजकल ऑनलाइन बैंक के फेक कस्टमर केयर नंबर्स भी सर्कुलेट होते हैं। बिल्कुल ठीक, मैं वही कह रही थी कि अगर आपको कस्टमर केयर फोन करना है तो आप बैंक से लीजिए, गूगल कभी मत कीजिए और किसी और से मत लीजिए। आपके पास फोन भी आएंगे, मैं आपका बैंक का रिलेशनशिप मैनेजर हूँ, मैं सो एंड सो हूँ, मत बिलीव करिए उसको। बैंक से कंफर्म कीजिए कि क्या XYZ मेरे रिलेशनशिप मैनेजर है या नहीं। ठीक है, और मैम प्राइवेट बैंक से जो कॉचा मोलोन का हो गया, एंड मैम प्लीज एक्सप्लेन वर्चुअल कीबोर्ड। हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि जैसे की लॉगिंग भी कैच हो सकती है, तो आपके जो बैंक में जब आप अपना पासवर्ड डालते हैं तो उसमें आपका नीचे होता है यूज वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन आता है। तो जब आप वर्चुअल कीबोर्ड का ऑप्शन लेते हैं तो आप सिर्फ अपने माउस को उधर वर्चुअल कीबोर्ड का एक शेप आता है उस पे क्लिक करेंगे। जैसे उसमें अगर जैसे अगर किसी का पासवर्ड कोई है तो वो उस वाले लेटर को या स्पेशल अल्फाबेट को क्लिक करेगा, अपने की से टाइप नहीं करेगा, और वो यूज करना चाहिए फॉर बैंकिंग। ओके, एंड कोई कह रहे हैं प्लीज शो अगेन द स्क्रीन फॉर गूगल सेफ्टी, उन्होंने 2 बार पूछा है, एंड ठीक है मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, और अभी आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस, देर आर 188 पार्टिसिपेंट्स, एंड लेट्स हैव सम यस क्वेश्चंस। मैम, सो ये वी आर सीइंग मेनी वर्चुअल हैंड्स रेज्ड, तो हाँ एक तो मनोधर जी का हैंड रेज है। मनोधर जी, आपको हमने अनम्यूट कर दिया है, आप प्लीज आपका जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। यस मैम, ये जो साइबर क्राइम, एक साइबर क्राइम सेल भी है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? गवर्नमेंट हाँ ऑफ साइबर, इंडिया का हाँ ये साइबर साइन क्रेस काफी डिस्ट्रिक्ट्स में है, जी। और जब जैसे कोई आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है तो आप उधर जाके अपना FIR दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, बट हाउ इट वर्क्स, ये सेल तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं का। नहीं ओके ये स्टेट पुलिस के साथ एसोसिएटेड है, चाहे आप साइबर okay. क्राइम सेल में जाएंगे चाहे आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे, ये स्टेट पुलिस के साथ कनेक्टेड है। जो cybercrime.gov.in की वेबसाइट है, दैट इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट वेबसाइट, और उधर से वो लोग स्टेट गवर्नमेंट को ही ट्रांसफर कर देते हैं केसेस, ये ऐसे वर्क करते हैं। मैम, मेरे साथ एक इश्यू है, मैं कई टाइम से इसको समझ नहीं पा रहा। आई गेट अ रिंग फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर से मेरे को रेगुलरली, मतलब मोर देन 100, समटाइम 400 500 रिंग्स फ्रॉम अ नंबर, एंड इट दिस नंबर नेवर रेजेस, मतलब कभी भी कॉल करो तो उठता नहीं है, बट मेरा को दिन भर उससे घंटी आता है, एंड इट इज इम्पॉसिबल, कोई इतनी ज्यादा कॉल कोई कर नहीं सकता। ऐसा क्या समझ में नहीं आता है कि ऐसा कैसे हो सकता देखिए, आप कभी है? भी किसी नंबर पे वापस नहीं कॉल कीजिए, नहीं, वापस कॉल नहीं भी क्योंकि करता हूँ, मैंने उसको ब्लॉक भी किया, पर रेगुलरली मतलब दिन में 300 400 बार रिंग आता है,
कोई आदमी इतना फ्री तो नहीं हो सकता, कैसे पॉसिबल है हाँ ये वो समझ में चैट आता बॉट्स वो ऑटोमेटिक करते हैं, चैट बॉट्स यूज वो बॉट्स यूज करते हैं है। और जो क्या बार बार पर्पज कॉल हो, व्हाट करते हैं. व्हाट कुड बी द पर्पज ऑफ दिस, आई डोंट नो, पर्पस इज नॉट स्ट्रेट, जस्ट ब्लॉक दैट. आई हैव आप ब्लॉक्ड इट, एक बार बट नहीं, अगर ब्लॉक करा है तो उधर उस नंबर से कॉल नहीं आएगा, उसके कोई कॉल नहीं आता इक्विवेलेंट. है। वो रिंग दिखाता है, दिन भर रिंग आता है वो, मतलब मेरे इवन ब्लॉकिंग के बावजूद मेरे फोन में दिखाता है वो रेड कलर से उसको। तो एंड्रॉइड का जो वर्जन 11 है उसमें आप किसी को ब्लॉक करें तो भी वो दिखाता है, तो नहीं, वो आपने दिन ऐसे ब्लॉक करा तो वो भर आपको कॉल नहीं कर पाएगा, कॉल किसी को नहीं भी. आता है, कॉल नहीं आता है, बट इट शोज दैट दिस नंबर इज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू रिंग मी। नहीं, और ऐसा कुछ नहीं होता. कोई नंबर कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू, जब तक आपके पास रिंग नहीं आता तो आपकी कॉल लिस्ट में वो नहीं आएगा, नहीं वो नहीं शो करता है आएगा. ब्लॉक नंबर लिस्ट में, शो करता है उसको ब्लॉक में शो आप करता उसको देखिए दोबारा से, कई बार होता है ना वो सिंगल डिजिट चेंज कर देते हैं है। और हाँ वो आपको लगता है कि वही नंबर है, वो भी चेक वही कीजिए. वही नंबर है, सेम नंबर, एंड सिंस 2-3 इयर्स हाँ सर, रेगुलरली मनोदर सर. एवरी डे। हाँ या मनोदर सर, यस सर, ये मैम सर शायद ये बताना चाह रहे हैं कि जब हम किसी नंबर को ब्लॉक कर देते हैं और वो फिर हमें जब कॉल करता है तो हमें रिंग तो सुनाई नहीं देती है, लेकिन लॉग में वो नंबर विजिबल होता है विद अ ब्लॉक साइन, हाँ तो इट उससे तो सर शोज। वैसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें तो फिर उसने कॉल भले ही कोशिश की हो लेकिन हमारे पास कॉल आई नहीं ना, हमने तो ब्लॉक कर दिया. नहीं बट आई वांट टू अंडरस्टैंड द पर्पस बिहाइंड इट, कि कोई इतनी बार कॉल कैसे कर सकता है, क्यों करेगा। देखिए कोई अब वो अल्टीरियर मोटिव होगा तभी करेगा ना. पर एक आदमी एक दिन में 500-600 कॉल किसी को हर दिन रेगुलरली, वो इट इज सर इम्पॉसिबल। आप वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं वही आंसर बार बार दे रही हूँ कि सर वो ऐसे में बॉट्स का यूज करते हैं जो कॉल कर देते हैं, वो ऑटोमेटिक कॉलिंग होती है उसमें, और अगर वो आपको कॉल कर रहे हैं तो वो गलत पर्पस से कॉल कर रहे हैं, उसको बिल्कुल अटेंड मत. बट आई ओनली वॉन्ट टू सर नो कैन कि वी क्या गो टू द वो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज आप वही क्वेश्चन मेरे से बार बार पूछ रहे हैं ना, और मैं नॉट आपको आस्किंग वही दैट। बता रही हूँ. सर जब एक आप क्वेश्चन है मैम चैट बॉक्स में, एक क्वेश्चन है, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई फेक यूआरएल, इसका कोई है सॉल्यूशन? यस यस वी कैन वेरी वेल आइडेंटिफाई द फेक यूआरएल. जैसे बैंकिंग साइट्स होती हैं या कोई कुछ ऐसी सिक्योर साइट्स होती हैं, तो उसमें उस यूआरएल में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे पैडलॉक रहेगा, पैडलॉक का फोटो रहेगा, उसके बाद HTTPS रहेगा, एस का मतलब है सिक्योर. ओके, ये दोनों चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं. और जो आजकल के स्मार्ट ब्राउजर जो होते हैं ना, वो जी मैम, आपको बता देते हैं दिस इज अ सिक्योर साइट और नॉट अ सिक्योर साइट. इफ द ब्राउजर से इट इज नॉट अ सिक्योर साइट, देन यू शुड नॉट गो ऑन दैट साइट. और थर्ड पार्टी एप्स थोड़ा सा यूज करना बंद कर दीजिए. ठीक है मैम. एक अलका मैम ने तो अपना वर्चुअल हैंड रेज किया है, मैं इनको अनम्यूट करती हूँ. अलका मैम, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ सकती हैं. हेलो, जी अलका हेलो मैम, मैम. आप बोल सकती हैं. मैम आई वांट टू आस्क कि जो हमारा मेल आईडी होता है, हमें हर जगह अपना मेल आईडी फिल करना पड़ता है और इट कैन इजीली बी हैक, मींस समवन कैन जस्ट से दैट फॉरगॉट पासवर्ड और उस पे नया पासवर्ड क्रिएट हो जाता है. सो इज देयर एनी वे आउट? अच्छा, ये मैं पहले बता रही थी और इसके लिए मैं आपको गूगल का स्क्रीन फिर से दिखाऊंगी. मैम जो आपका ईमेल आईडी है, लेट्स से जीमेल आईडी है, उसको नंबर वन सबसे पहले आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड देना है. नंबर टू, आप उसमें टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको ऑन करना है. इसका मतलब है कि कोई अगर गलत पासवर्ड से उसको हैक करने की कोशिश कर रहा है वो नहीं करेगा, नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास ओटीपी भी आएगा उसका. ओटीपी सॉरी ओटीपी नहीं आएगा उसका, उसका लिंक आएगा टू कंफर्म इफ यू आर द सेम पर्सन ऑन योर ईमेल. सो कोई भी अगर आपके पास आने की, आपके अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहेगा और आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है, तो वो नहीं कर पाएगा. एक तीसरी चीज भी और होती है कि अलर्ट. लेट्स से किसी ने एक्सेस कर भी लिया, किसी ने एक्सेस कर भी लिया, तो उससे ये होगा कि आपको अलर्ट आ जाएगा कि सो एंड सो फ्रॉम दिस आईपी एड्रेस इज ट्राइंग टू एक्सेस. ओके, तो आप इमीडिएटली अपने उसको उसका उसका पासवर्ड चेंज कर दीजिए. ठीक है. थैंक यू निशा मैम.
एक और है पार्टिसिपेंट हमारे, प्रदीप जी। प्रदीप जी आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एक सेकंड बस, कर दिया जी। प्रदीप जी हेलो, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ मैम, अभी इस साल उत्तराखंड में जो आपका हेलीकॉप्टर सेवा होती है, केदारनाथ से जो जाती है हेलीकॉप्टर सेवा, उस पर 500 से 600 करोड़ साइबर मतलब लोगों ने उसमें पैसा बनाया और बहुत लोगों को नुकसान हुआ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सुन रही हाँ, हूँ। तो मैम लोग मतलब ये मेरी समझ में ये नहीं आया कि किस प्रकार का फ्रॉड हुआ। जैसे हम उसमें ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो इस तरह की फर्जी साइट कैसे बन जाती है और कौन उनको मतलब रिकमेंड करता है? गवर्नमेंट कोई चेक नहीं करती कि फर्जी साइट है कि नहीं? करोड़ों रुपए का लोगों का मतलब पैसा उसमें गया, लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग करी और उसके बाद पता चला कि वो तो फ्रॉड साइट थी। देखिए ऐसे है, हमें अपनी केयर खुद करनी है। गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसे फर्जी साइट्स को चेक करती है, पर ऐसी साइट्स लाखों मिलियंस में हैं, तो इतना, और रोज नई नई साइट्स आती जाती हैं, तो गवर्नमेंट भी कितना करेगी। तो हमें खुद जब, वही मैंने बोला कि फर्जी साइट के जो यूआरएल वगैरह आपको चेक करना है, आपको इंटरनेट से वेरीफाई करना है कि जो वो नाम दे रहे हैं हेलीकॉप्टर सेवा का, ये रियल है या किसी ने फेक उसकी उसकी साइट को क्लोन करके रखा हुआ और पैसा उनके पास जाता जा रहा है। तो ये तो हमें अपनी केयर खुद करनी है, और हमें, मैंने बोला कि जीरो ट्रस्ट पॉलिसी अपनानी है, कि पहले हमें वेरीफाई करना है कि उसका यूआरएल ठीक है। अभी मैंने आपको यूआरएल के रूल्स बताए थे, पैडलॉक, एचटीटीपीएस वगैरह, और जाके एक दो जगह से पूछना भी है, फोन करके वेरीफाई करना है, तभी पैसे डालने हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल ऐसी वेबसाइट्स पे रोक लगाती है, उनको बंद कराती है। तभी तो मैंने बोला था कि इतने लोगों का, जो जिन्होंने डबल डुप्लीकेट सिम ले रखे थे, उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ है। ठीक है ठीक है, थैंक यू। जी, थैंक यू मैम। इकराम सर, आपका भी हैंड रेस था, आपका भी कोई क्वेश्चन है? यस मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बार किसी कंपनी से क्रेडिट कार्ड लेने के बाद जो है मल्टीपल कंपनीज जो है जो हमसे कांटेक्ट करती हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो। अब सिर्फ मेरा क्वेश्चन ये है कि उन लोगों के पास हमारा डाटा, फोन नंबर क्या पहले वाली कंपनी शेयर कर देती है उनको, या कोई और मेथड है जिसकी वजह से ये मल्टीपल्स कॉल एक दिन में 10 से 12 कॉल लोन लेने के लिए और प्लस क्रेडिट कार्ड के लिए, ना कि वो कोई फेक लोग होते वो कंपनी के ही होते हैं, प्राइवेट बैंकों से लोन क्रेडिट कार्ड, ये जो है इनके पास डाटा कहाँ से जाता है? हमने किसी भी ऐप के ऊपर लिंक तो नहीं किया होता। सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि किसी एक कंपनी का हम क्रेडिट कार्ड या जो है लोन अगर यूज करते हों उसके बाद ये कॉल्स आने लगती हैं, तो इसके बारे हाँ, तो में मैम क्या बता? इसके दो तीन रीजन होते हैं। एक रीजन तो इसका ये है कि जिस कंपनी को आपने अपने डिटेल्स, जैसे बैंक के पास आपके डिटेल्स हैं, तो वो डिटेल्स कहीं से लीक हो गए हैं आपके, नंबर वन, या किसी जान के, या फिर केयरलेसनेस की वजह से, या फिर कोई, जैसे उस जैसे कोई एम्प्लॉय ने लीक कर दिए हैं, आपके डिटेल्स लीक हो गए हैं। सेकेंडली, आपका फोन कहीं से हैक हुआ पड़ा है, और जो आप कर रहे हैं किसी तीसरे बंदे को पता है। और थर्डली, आपने लूजली अपने फोन नंबर्स वगैरह वेबसाइट पे, सोशल मीडिया साइट्स पे डाले हुए हैं, और उधर से लोग आपको, आपका सर्वेलेंस कर रहे हैं। तो आपको अपनी प्रिवेसी का बहुत ध्यान रखना है। और अभी रिसेंटली एक बहुत, ये कुछ दिन पहले की बात है, आईसीएमआर, आईसी जो आईसीएमआर की साइट से हैकर्स ने कितने लाखों लोगों का कोविड का डेटा चुरा लिया है, ये लेटेस्ट है, आधार डेटा चुरा लिया है, और गवर्नमेंट इस पे एक्शन ले रही है। पर ऐसे भी होता है, क्योंकि आप कितने भी बड़ी बाउंड्री वॉल खड़ी करें, चोर तो 10 कदम आगे ही होते हैं। हमें अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी है। ठीक है, मैम मेरा क्वेश्चन ये था, क्या ये बैंक वाले डाटा तो नहीं देते हैं बाकी बैंक फर्जी वाले बैंक? भी,